और यहाँ एक चीज और अच्छा लगा क्या कि बहुत सारी जगह ओवरब्रिज बन चुका है। दोस्तों अभी हम लोग गुरुद्वारा आ चुके हैं, ये देखिए जा रहे गाड़ी लगाते कहीं अच्छी जगह, और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा और ये प्रसाद के नाम पे ये प्रसाद मिलता है, परनाई मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो लोहा वाला घाट था ये भी बन गया है, नहीं तो पहले हम लोग को इधर से चढ़ के उधर घूम के जाना पड़ता था। दोस्तों अभी देख सकते हैं सागर गाड़ी चला रहा है और रात का समय है, अब फोर लाइन का मजा यही तो है, इतना जल्दी जल्दी सब सीख जाता है ड्राइविंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम लोग महागांव पार कर गए, महागांव पार करके घाट है नीचे सदाजी का होटल है, यहाँ से पूरा घाट एरिया शुरू हो जाता है, काफी लंबा घाट है ये। दोस्तों अभी हम लोग पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे थे छत्तीसगढ़ से गोवा का ट्रिप हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का 1300 किलोमीटर का सफर था, तो अभी हम लोग का 750 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो हम लोग अभी तक हम लोग करीब 450 किलोमीटर कर चुके हैं सफर। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग गुरुद्वारा भी आना है, नांदेड़ गुरुद्वारा, तो वहाँ पर आज हम लोग का नहाना धोना भी है क्योंकि कल तो समय मिला नहीं, देखें वहाँ बस आ गया था, चलते हैं गुरुद्वारा वहीं पर नहाते हैं। दोपहर के 11 बज चुके हैं और हम लोग नांदेड़ पहुंच गए हैं, नांदेड़ का तो अभी बाईपास में जा रहे हैं, ये देखिए अभी बाईपास पूरा क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां से लातूर अभी कम से कम 135 किलोमीटर और बचा है, तो आज तो सफर हमारा रहेगा करीब 300-350 किलोमीटर के आसपास, तो ये सब लातूर वातूर तो पूरा क्लियर कर लेंगे, पार हो जाएंगे हम लोग। दोस्तों अभी जब से महाराष्ट्र हम लोग इन किए हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ से ही मतलब ऐसा हो गया था कि पंखा लगा दिए थे हम लोग, जब से बॉर्डर से ही हम लोग, और इधर आए तो इधर भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, और अभी हम उधर घर में कल बात किए थे तो वहाँ बता रहे थे दिन के 9 बजे तक आदमी जो है स्वेटर वगैरह कोई नहीं खोल रहा है, इतना ठंडा वहाँ पर है, हमारा रांची रामगढ़ एरिया में बहुत ज्यादा ठंडा है। और यहाँ एक चीज और अच्छा लगा क्या कि बहुत सारी जगह ओवरब्रिज बन चुका है, तो हमको समय कम लगा, नहीं तो पहले कई बार जाम में फंसते थे, भीड़ लगता था, सामने में भी देखिए ब्रिज है ये भी चालू हो गया, तो ये सब पहले बंद था तो थोड़ा दिक्कत होता था हम लोगों को। दोस्तों अभी हम लोग गुरुद्वारा आ चुके हैं, ये देखिए अब जा रहे गाड़ी लगाते कहीं अच्छी जगह। दोस्तों गुरुद्वारा पहुंच गए हैं, अब जा रहे नहाने के लिए, अपना नहाने का पूरा बना हुआ व्यवस्था, कपड़ा वपड़ा सब निकाल लिए, सामने देखिए गुरुद्वारा है, तो ठीक है दोस्तों अपने नहा के आते हैं क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो जाएगा, फिर नहाना भी जरूरी है। दोस्तों हमारा नहाना तो आज हो गया अच्छे से और बाबा जी के दर्शन भी कर लिए, प्रसादा भी खा लिए और देखिए ले लिए प्रसादा। दोस्तों प्रसादा तो अपना ले कर ही लिए, वहाँ पे बैठ के खाना पड़ता है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा, इसको परना बोलते हैं, और ये प्रसाद के नाम पे ये प्रसाद ही मिलता है, ये परना ही मिलता है, तो अपना इच्छा है जो आपको चढ़ाना चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, बाबा गया कोई मना नहीं है, अपना खाइए, मतलब पूजा के प्रसाद के हिसाब से हम लोग खाते हैं। तो चले खाना सब हो चुका है दोस्तों, अब थोड़ा आराम करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों गुरुद्वारा से तो हम लोग निकल गए थे, आधा घंटा करीब आराम किए उसके बाद फिर निकल गए, और देखिए अभी हमारा सफर चल ही रहा है, और कपड़ा तो हमारा सूखा नहीं, पीछे दे दिए सूखने के लिए, तो ये भी धीरे धीरे सूखता रहेगा। और दोस्तों डीजल तो हम लोग लास्ट वहाँ पे लिए थे नागपुर में 15,000 का, उसके बाद अभी लिए नहीं है, तो आप सीधा यहाँ से करीब 600 किलोमीटर के आसपास बचा है कर्नाटक का बॉर्डर, तो वहीं जाके आप टंकी फुल कराएंगे और उसके बाद फिर हमारा सफर जारी रहेगा, गोवा हुआ फिर खाली करके लूट करके उधर से फिर आ भी जाएंगे, हो सकता है पूरा महाराष्ट्र भी पार हो जाए, नहीं तो फिर आगे नागपुर में से डीजल लेना पड़ेगा। दोस्तों अभी जब गुरुद्वारा से हम लोग निकले तो आगे मिलता था लोहा बाजार, लोहा बाजार में भी काफी ट्रैफिक रहता था, भीड़ भाड़, तो वहाँ पर देखे कि अभी बाईपास बना दिया है, तो पहला चौक से ही हम लोग को लेफ्ट घुमा दिया, आगे से बाईपास में मिला दिया, पूरा नहीं बना है लेकिन जहाँ तक बना है बढ़िया बना है, तो अभी हमारा गाड़ी जो है बाईपास से निकल गया, भीड़ भाड़ मिला नहीं। और दोस्तों आज 25 दिसंबर है, मेरी क्रिसमस भी है, दोस्तों आज हमको हो गया करीब 30 साल तो हो गया गाड़ी लाइन में, और आज के दिन कई बार हम कुनकुरी में, छत्तीसगढ़ में कुनकुरी है, झारखण्ड में गुमला है, तो ये
सब जगह पे हम कई बार रहे हैं ना, तो वहाँ झांकी निकलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी बच्ची लोग परी बन के रहती है, तो वो सब चीज से लगता है कि हाँ आज मतलब कोई त्योहार है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो लोहा वाला घाट था ये भी बन गया, नहीं तो पहले हम लोग को इधर से चढ़ के उधर घूम के जाना पड़ता था। अब पूरा कटिंग करके कितना अच्छा 4 लाइन बना दिया है, अब अच्छा भी लग रहा है यहाँ चढ़ने में। पहले दोस्तों वो 16 चक्का लेके आते थे और माल भी ज्यादा रहता था तो चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी देखिए कितना अच्छा मतलब आराम से गाड़ी अपना चल रहा है, 3 नंबर गियर है ना, 3 नंबर गियर में अपना आराम से चढ़ जा रहा गाड़ी। दोस्तों अभी हम लातूर पार कर चुके हैं और रात के 8 बज गया है। अभी हमारा क्या है कि टारगेट है तुलजापुर, तुलजापुर के पार करने के बाद आता है सोलापुर, तो सोलापुर के पास में हमारा पुराना होटल है उधर रुकने वाला, तो वहीं रुकेंगे फिर अपना वहां से फिर सुबह चलेंगे। अभी सोलापुर यहां से 100 किलोमीटर और बचा हुआ है। दोस्तों आज तो सुबह हम लोग यवतमाल से चले थे, यवतमाल से यहां तक का सफर हमारा 370 अभी हो चुका है, अभी 100 किलोमीटर अभी और चलना है हमको। तो आज क्या है कि हम लोग दोपहर में खाना उना बना नहीं, तो उसमें सब 4 लाइन में थोड़ा सफर भी कटता है और हर जगह तो ब्रिज वगैरह बन गया तो बहुत जल्दी सफर कट गया मेरा। तो ऐसे ही अगर रोड वोड बनेगा अच्छा रहेगा तो सफर भी कटता है। तो ठीक है दोस्तों अभी सफर काट रहे, अभी जा रहे हैं हम लोग सोलापुर के पास में। दोस्तों अभी पापा गाड़ी चला लिए, अब जा रहे हैं हम चलाने के लिए, तो करीब 100 किलोमीटर बचा हुआ है तो 100 किलोमीटर तो चला लेंगे। दोस्तों अभी देख सकते हैं सागर गाड़ी चला रहा है और रात का समय है, क्या ना कि हम भी उतना चलाते रहे थोड़ा पैर हाथ सीधा कर लेंगे। अब 4 लाइन का मजा यही तो है, इतना जल्दी जल्दी सब सीख जाता है ड्राइवरी। ये देखिए 4 लाइन में चलाने का मजा ही कुछ और आता है। देखिए अभी चला रहा है सागर, देखते हैं अभी कम से कम तुलजापुर तो पार करेगा ये। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग सोलापुर आ गए, तो गाड़ी तो पूरा चला ली है अच्छे से। तो यहाँ से दोस्तों और करीब 500 किलोमीटर के आसपास रह गया है गोवा, तो कल तो शायद पहुँच जाएंगे। कल पहुँचेंगे? कल नहीं तो परसों पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद इधर आए हैं तो कुछ लोगों से हमको मुलाकात भी करना है, क्योंकि कई लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आ चुका है और कई लोग कमेंट भी किए हमको कि क्योंकि हम इसलिए मिल के जाना चाहते हैं कि अगर उधर जाते हैं गोवा और वहाँ से कहीं और का माल निकल गया मिल गया तो हो सकता है किसी और रूट से निकल गए तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगा, तो उन लोग नाराज़ हो जाएंगे कि इतना दिन बाद आया भी तो फिर आ करके उधर उधर चले गए। तो इसलिए मेरा प्लानिंग है कि उन लोगों से कल मिल लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। हाँ दोस्तों अभी देख सकते हैं अपना खाना आ गया, तो आज वही सेव भाजी है और पापा का दाल, हमारा है राहर दाल, राहर दाल ही ज़्यादातर पसंद करते हैं हम इसी लेकर के, कोई मसाला नहीं कुछ नहीं, सादा सादा। दोस्तों खाना तो खा के आ गए, तो आज का हमारा जो सफर है यवतमाल से लेकर के सोलापुर तक करीब 460 किलोमीटर का हो चुका है और यहाँ तक चलो अच्छा, आज मेरा अच्छा ही सफर कटा है। और दूसरी बात क्या, कल भी और हमारा सफर कटेगा। तो ठीक है दोस्तों अभी जा रहे सोने के लिए, मिलते हैं सुबह। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह होटल से निकल चुके हैं और सोलापुर लगभग पहुंचने वाले हम लोग है। ये देखिए सोलापुर सामने में है, हम लोग आराम से इसलिए चले इस बार कि हम लोग जहाँ रुके थे होटल पे वहाँ नेट नहीं था वहाँ पे, तो हम लोग कहे चलो वहाँ पे सोलापुर में सुबह सुबह मिल जाएगा नेट हम लोग को, उसके लिए हम लोग वहाँ थोड़ा आराम से चले इस बार। दोस्तों अभी हम लोग सोलापुर बाईपास में आ चुके हैं, देखिए अभी सोलापुर फाइबर पास कर बात कर रहे हैं हम लोग बाईपास को, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला जो है जिससे हम चल रहे थे उस समय बन रहा था, अभी पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों ये अगर सीधारगढ़ जाता तो पूना चल जाता, तो हम लोग को उधर जाना नहीं है, हम लोग को मुड़ जाना है लेफ्ट साइड सांगोला की तरफ, सांगोला हो गया कोल्हापुर हो गया, उसी रोड पे मिलेगा। दोस्तों अभी हम लोग सोलापुर पार करके यहाँ बाईपास में रुके हुए हैं, तो थोड़ा अभी ब्रश करना है तो ब्रश करेंगे पापा, तब तक थोड़ा टायर वायर चेक कर लेते हैं, टायर में बस गिट्टी देखना पड़ता है, जो फंस जाता है उसको निकाल देते हैं। अपना गाड़ी में दोस्तों अभी सब कुछ सही है, सब टायर वायर, लेकिन एक टायर का बस प्रॉब्लम आता है, ये वाला टायर ये हमेशा पंचर हो जाता है। अब पंचर तो अलग बात है और खड़े खड़े हवा भी निकल जाता है इसका, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। दोस्तों हम लोग जहाँ पे खड़े हैं अभी यहाँ से क्या है ना कि दो रास्ता कटता है, अब जहाँ हम लोग को जाना है वो भी मतलब दोनों ही रास्ता जाएगा, इधर से हम जाएंगे तो कोल्हापुर होके भी जा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ से बीजापुर लिख रहा है 105 किलोमीटर,
तो इधर से सीधा भी जा सकते हैं। तो ये क्या है कि सोलापुर का बाईपास में पहले अंदर से हम लोग जाते थे, अगर बीजापुर जाना रहता था तो नो एंट्री लगता था, नो एंट्री समय पे खोलता था, उस हिसाब से अंदर जाते थे। लेकिन अभी ये बाईपास बन गया है तो बहुत अच्छा, बार बार अब नो एंट्री कोई मतलब नहीं है, बार बार आप सीधा बीजापुर जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं आप यहाँ से। तो हम लोगों को जाना नहीं है क्योंकि हमको जयसिंहपुरा रोड से हम गए हमेशा, और कई हमारे सब्सक्राइबर भाई भी हैं जो कई बार हमको कॉल किए, मैसेज किए कि बहुत दिन बाद आए तो आइए आपसे मिलना है, तो हम उसी कारण हम जयसिंहपुर होके ही जाएंगे, वहाँ सबसे मिलना भी है हमारा हमको। और जयसिंहपुर में देख रहे हैं मदनायक पेट्रोल पंप है, आज शाम में हम लोग वहीं पर रहेंगे, तो वहीं पर रहकर सब दोस्त यार से मिलके फिर वहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग। और यहाँ का खेती बाड़ी भी पूरा लगा हुआ, गन्ना खेत इधर जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि महाराष्ट्र में तो शुगर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह पर जो है। तो सागर पूछ भी रहा था कि इधर हम लोग के उधर तो सीज़न पे होता है छठ के टाइम में गन्ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बारह महीना होता है, कि उन लोगों को शक्कर बनाना पड़ता है। दोस्तों मेरे सामने जो खेती है ये तो खैर गन्ना का नहीं है, ये बाजरा का है, क्योंकि बाजरा का खेती और गन्ना का लगभग देखने में मिलता है, लेकिन फल जो पड़ता है ना उससे पता चल जाता है कि नहीं ये बाजरा का, ये गन्ना का नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट कटने वाला है, हम लोग रूट यहाँ चेंज कर रहे हैं, जा रहे जयसिंहपुर तरफ। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब देखने को मिलेगा कि कर्नाटक में हम लोग मतलब कितना टाइम रह रहे हैं, फिर गोवा कब पहुंच रहे हैं, सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।